नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती के अवसर पर लोकभवन परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़ करके वे आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे, आंदोलनों में भाग लिया, जेल की यातना सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से कभी विचलित नहीं हुए। और यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के दौरान उनके द्वारा किए गए योगदान लगातार किए गए संघर्षों के लिए उन्हें स्वतंत्र भारत में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गुरुतर दायित्व उनके ऊपर सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से आजादी के पहले 1947 से लेकर के लगातार संविधान बनने के उपरांत प्रथम आम चुनाव और उसके उपरांत भी जो सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए, जनता को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों इसके लिए, शिक्षा स्वास्थ्य और उस समय के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की थी, जिस पर आधारित है आज का हमारा उत्तर प्रदेश। तो वहीं लखनऊ के लोकभवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और 41 अमर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, संस्थागत संस्थाएं हैं, इनको नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। ये सभी कार्यक्रम अगर एक साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें तो स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रकृति को ही बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक हैं, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक ओर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति का की जनहानि, एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है
इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ प्लान करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। और चलिए अब रुक करेंगे बुलेटिन के बीच, आ रही एक बड़ी जानकारी का, इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगमन होगा दोपहर 2:15 पर करीब, यहां पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर निरीक्षण करेंगे और शाम 6 बजे से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। मंडल के पुलिस अफसरों के साथ भी एक बैठक प्रस्तावित है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उस बैठक में शामिल होंगे। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इस दौरे को लेकर निरीक्षण करने के लिए, वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2:15 पर आज जो ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं। संवाददाता जूही हमारे साथ जुड़ गई है ग्रेटर नोएडा से लाइव। जूही, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा दौरा है और पीएम मोदी का भी वहां पर दौरा प्रस्तावित है, उसी को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करने जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या ताजा अपडेट उनके दौरे को लेकर? जी दिशा, आपको बता दें कि जैसा कि 11 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो पार्क में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी आने वाले हैं। इसके लिए अभी आज 2:15 करीब जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो एक्सपो मार्ट में पहुंचेंगे और पीएम मोदी के आने के पहले उनके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसका स्वयं जो है जायजा करेंगे। जूही, और भी कई कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो पुलिस अफसर हैं उनके साथ भी एक बैठक में शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है, यानी कि यहाँ पर पहुंच के एक्सपो मार्ट के बाद जो कार्यक्रम है उससे संबंधित क्या जानकारी दे पाएंगे? जी, आपको बता दें कि 2:15 वो करीब एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, वहां पर पहले पूरा सुरक्षा का निरीक्षण करेंगे, इसके बाद आज शाम को वो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की यूनिवर्सिटी में ही प्रवास करेंगे। इसके साथ ही शाम को 6 बजे वो जो तीनों प्राधिकरण है उनके सीईओ और कमिश्नर के साथ जो है बैठक करेंगे और बैठक में प्रधानमंत्री के आने के पहले जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जूही आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर निरीक्षण करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शाम 6 बजे से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और मंडल के पुलिस अफसरों के साथ भी एक बैठक आज सीएम योगी की प्रस्तावित है। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बता दें मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये मुलाकात सोमवार शाम को हुई है, पिछले दिनों योगी सरकार ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा था कि अपर्णा यादव इस फैसले से खुश नहीं है और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाते हुए अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी इस मुलाकात को बेहद अहम समझा जा रहा है, साथ ही यह भी माना जा रहा है कि अब संभवतः अपर्णा यादव की नाराजगी दूर हो सकती है इस मुलाकात के बाद और वह महिला आयोग का अपना पद भी संभाल सकती हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।